सो हेलो गाइस, दिस इज शिवम एंड यू वाचिंग जीनियस गुरु। सो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। एंड देन गाइस, थंबनेल देख के आप समझ ही चुके होंगे कि इस वीडियो में आपको पेड व्यूज लेने की, अनलिमिटेड पेड व्यूज लेने की बात करी है। तो गाइस, स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में वही देखेंगे। तो चलते हैं, वीडियो को बिना टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। सो गाइस, उससे पहले आपको क्या करना है, अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। एंड देन जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा, medium.com के बारे में बात हुई है। तो गाइस, ये वेबसाइट मिलियनों ट्रैफिक लाती है, गाइस ये ट्रू फैक्ट है। सबसे पहले आपको यहाँ पे लाइव प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा। सो गाइस, आपको क्रोम ब्राउजर ओपन करके medium.com टाइप कर लेना है। एंड देन आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा medium.com का। एंड देन गाइस, अब आपको क्या करना है, देखिए दोस्तों, सबसे पहले गाइस हम आपको ये बता देते हैं कि इस साइट का ट्रैफिक कितना है। तो उसके लिए आपको फर्स्टली ये लिंक कॉपी करना है। एंड देन जाना है similarweb.com पे, वहां पे आपको यहाँ पे लिंक पेस्ट कर देना। एंड देन सर्च कर देना, इससे हमें पता चलेगा कि इस वेबसाइट का ओवरऑल ट्रैफिक कितना है, जिससे हमें पेड व्यूज मिल सकते हैं। गाइस, ये वेबसाइट भी पेड फॉर आर्टिकल की अल्टरनेटिव है। यहाँ पे भी लोग आर्टिकल पब्लिश करते हैं एंड बहुत सारा पैसा अर्न करते हैं। सो गाइस, ये देखिए, ये इंटरफेस खुल गया। अब हम स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस, टोटल विजिट्स 153.15 मिलियन। ठीक है, यहीं पे अगर हम बात करें पेड फॉर आर्टिकल की, तो गाइस उसके भी विजिटर जान लेते हैं, बिकॉज ये जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हमें पता चलता है कि कितने सारे, अगर आप जिस वेबसाइट पे जिस ज़्यादा ट्रैफिक होगा उतने ज़्यादा पेड व्यूज़ मिलेंगे गाइस। तो इस वजह से हम इसे भी डिटेक्ट कर लेते हैं कि इस पर कितना ट्रैफिक है इसका खुद का। सो गाइस, यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए गाइस, इसका ट्रैफिक बहुत कम है, उससे मिलियन में नहीं गाइस, लाखों में इसका ट्रैफिक, तो उससे तो कमी है। सो गाइस, हम अब क्या करेंगे कि medium.com से ट्रैफिक रिडायरेक्ट करेंगे अपने पेड फॉर आर्टिकल की पोस्ट पे, जिससे हमें पेड व्यूज मिलेंगे। तो उसे कैसे करेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। एंड गाइस, सबसे पहले एक बात और ये बताइए, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं? नहीं। ये भगवान क्या जुलूम। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मैं आपका एक सब्सक्रिप्शन देख के अंदर से मोटिवेट वाली फीलिंग आती है। एंड नेक्स्ट वीडियो अब मैं आपके लिए यूजफुल वीडियो बनाने का अच्छे से मौका मिलता है। सो गाइस, अब बढ़ते हैं ट्रिक की तरफ। सो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक अपना रजिस्टर हो लेना है medium.com की साइट पे। सिंपली आपको साइन इन पे क्लिक करना है। एंड देन यहाँ पे जिस जीमेल आईडी से आपने पेड फॉर आर्टिकल पर लॉगिन किया है, सिंपली आपको उसी जीमेल आईडी से यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। एंड देन वहाँ पे आपको फिर से एक वेरिफिकेशन मांगेगा, यहाँ पे मैं सिंपली वेरीफाइड कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा गाइस प्रोसेस देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे एक, अगर आपके फ़ोन में 2-स्टेप वेरीफिकेशन इनेबल्ड होगा तो यहाँ पे 2-स्टेप वेरीफिकेशन मांगेगा। तो दोस्तों, 2-स्टेप वेरीफिकेशन कंप्लीट हो गया है। अब हम लॉगिन हो गए हैं अपने medium.com की वेबसाइट पर। अब आपको ट्रैफिक कैसे लेना है वो स्टेप बाय स्टेप आप देखते रहिए, हम पूरा यहां पे क्लियर करेंगे लाइव प्रूफ के साथ। तो यहां पे थोड़ा सा प्रोसेस होगा। स्टेप वेरिफिकेशन के बाद आपके सामने इस तरीके का एक डैशबोर्ड ओपन होगा, जो कि आपका एक लॉगिन आईडी बन चुका है। एंड देन अब आपको क्या करना है गाइस, यहां पे कॉर्नर पे आपको अपना एक डीपी सा शो होगा, सिंपली आपको उस पर टैप करना। एंड देन आपको फर्स्ट में मिल जाएगा राइट ए स्टोरी, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना गाइस। ये उसी वेबसाइट की एक सिमिलर है, बट फर्क यहाँ पे इतना है कि इस वेबसाइट पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आता है। सो गाइस, अब देखिए आपको क्या करना है, ट्रिक की तरफ चलते हैं। आपको अपना मेन अकाउंट ओपन कर लेना है पेड फॉर आर्टिकल्स का। एंड जो भी आर्टिकल्स आपका अप्रूव्ड हुआ है, लाइक मैं इसे ले लेता हूँ, इसे हम सबसे पहले व्यू करेंगे। उसके बाद गाइस ये व्यू हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, अब देखिए सबसे पहले आपको यहाँ जाना है। एंड यहाँ पे मांग रहा है टाइटल, तो टाइटल पे आपका जो भी टाइटल यहाँ पे हो रखा है सेम टू सेम वही टाइटल आप यहाँ पे देंगे। देन उसके बाद आपको ये टाइटल आपका बनके रेडी हो गया। एंड यहाँ पे लिखा है टेल योर स्टोरी, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे मेन फैक्ट देना है लाइक समरी। यहाँ से फर्स्टली मैं यहाँ कॉपी करके ये यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। एंड देन उसके अब गाइस पेस्ट करने के बाद यहाँ पे सिंपली मैं इंटर को हिट करूंगा। एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, तो गाइस जब आप समरी को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, समरी पेस्ट करने के बाद आपको सिंपली एक इंटर हिट करना है। एंड देन यहाँ पे एक
आपको कुछ वर्ड टाइप करने हैं, लाइक आपको इस तरीके का एक यहाँ वहाँ पे समरी टाइप कर देनी है, यहाँ पे इसी तरीके से सेम टू सेम आपको इसी तरीके से कर देना। अब गाइस यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, आप चाहो तो यहाँ पे और भी थोड़ा कुछ यहाँ पे टाइप कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को लेकर, मैन मैन फैक्ट लिखेबल हो एक, मतलब बढ़िया सा आप वहाँ से जब यूज़र कोई आपकी वहाँ से उसको पढ़े थोड़ा बहुत तो उसे लगना चाहिए कि इस आर्टिकल में थोड़ी नॉलेज है। लाइक ये मैं ओनली आपको डेमो के लिए करके दिखा रहा हूँ गाइस। तो यहाँ पे सिंपली इसे आप कॉपी करेंगे एंड देन यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। जब आप इतना कुछ कर देंगे एंड यहाँ पे आपको डॉट कर देना है, मतलब हमें यहाँ पे ज़्यादा पूरी नॉलेज नहीं देनी है, यहाँ पे बस हाफ आर्टिकल लिख के छोड़ देना है एंड यहाँ पे आपको नीचे लिख देना है फॉर रीड फुल आर्टिकल प्लीज क्लिक हेयर, ठीक है। इतना आपको लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, अपने आर्टिकल्स का जो लिंक है वो आपको कॉपी कर लेना है एंड देन जाना है अब medium.com पे और सिंपली आपको ये सिलेक्ट करना है उतना ही। जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। ये जो लिंक आप देख रहे हैं यहाँ पे हम अपने आर्टिकल की लिंक लगाएंगे, ठीक है। सिंपली आप इस पर क्लिक करोगे एंड देन यहाँ पे पेस्ट कर दोगे अपने आर्टिकल की लिंक। अब गाइस ये आपका भी आर्टिकल एक बन के रेडी हो गया और आप चाहें तो यहाँ पे एक पिक्चर का भी यूज़ कर सकते हैं, अट्रैक्टिव पिक्चर का जो कि अट्रैक्ट होना चाहिए और जो आपने पेड फॉर आर्टिकल की पिक्चर पे वहाँ पे लगाई हो। सो गाइस अगर आप चाहो तो यहाँ पे कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं तो मैं सिंपली यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ। आपको कैमरे वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड देन यहाँ पे आपको ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। तो गाइस मैं आपको ओनली करके दिखा रहा हूँ, सिंपल से मैंने ये ले लिया, यहाँ पे आपको थोड़ा राइट करना है एंड यहाँ पे गाइस इसका कैप्शन जो है कैप्शन में आपको सेम टू सेम यही डाल देना जो ऊपर है या उससे रिलेटेड थोड़ा सा, ठीक है। देखिए एक पोस्ट हमारा बन के ये रेडी हो गया। अब सिंपल से आपको इतना कुछ सारा समझ में आएगा, आ गया गाइस, बिल्कुल इजी मेथड है। आप यहाँ से किसी भी साइट पे ट्रैफिक ले सकते हो गाइस, लाइक वो यूट्यूब हो या कोई भी अदर वेबसाइट आपकी हो, बट गाइस बहुत अच्छी बात है कि पेड फॉर आर्टिकल से यहाँ पे हमें पेड व्यूज मिलेंगे, बिकॉज पेड फॉर आर्टिकल बहुत ज़्यादा पे आउट करता है हमें बाकी सभी सोशल मीडियाओं को देखें तो। सो गाइस यहाँ पे एक हमारा पोस्ट जो है वो बन के रेडी हो गया। आपको क्या करना है, आपके जितने भी पोस्ट अप्रूव्ड हुए हैं सभी को आपको दो दो तीन तीन बार या थोड़ा अलग, जैसे कि मैंने यहाँ पे गाइस इस बात को और समझ लिए, जैसे यहाँ पे मैंने अपना समरी अटैच किया एंड यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ अटैच किया। अब आप नेक्स्ट पोस्ट जब बनाओगे तो वहाँ पे क्या करोगे, समरी तो आपकी यही रहेगी या कुछ डिफरेंट आप कर सकते हो, लाइक हमें कुछ भी करके यहाँ पे थोड़े दो चार लाइंस अट्रैक्टिव लिख के यहाँ से बस यूजर्स को ये बताना है कि यहाँ पे हमने पूरा आर्टिकल्स नहीं पब्लिश किया है, जो आधी अधूरी जानकारी है वो हमारे पेड फॉर आर्टिकल पे। तो यहाँ पे वो ओनली हिंट देख के, वो कहते नहीं है कि ट्रेलर देख के मूवी पूरी देखना है, तो आपको यहाँ पे ओनली अपने आर्टिकल का ट्रेलर दिखाना है, मूवी पूरी आपको पेड फॉर आर्टिकल पे रिडायरेक्ट करके दिखाना है। तो सो गाइस यहाँ पे आपको सिंपली सब कुछ ऐसा ही करना है। तो यहाँ पे देखिए ये लिंक हमारी बन के तैयार होगी। अब जो आर्टिकल अगर आपका अच्छा है सही है तो यहाँ पे क्लिक करके वो आपको पेड फॉर आर्टिकल की साइट पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। अब गाइस आपको सिंपली पब्लिश कर देना है, ठीक है। पब्लिश करने के बाद आपको यहाँ पे टैग डाल देना है, लाइक किस तरीके से आपके टैग थे, जैसे अर्न मनी एंड हाउ टू अर्न मनी, लाइक आपके जो भी टैग्स थे यहाँ पे आपको अच्छे से पूरे टैग डालने हैं। गाइस टैग अगर आप नहीं टैग जानते हैं किस तरीके से आपको टैग निकालना है, तो गाइस सिंपल से मैं एक बढ़िया सा मेथड बता दे रहा हूँ आपको टैग फाइंड करने का। देखिए सबसे पहले तो आप गूगल पे जाएंगे एंड यहाँ पे टाइप करेंगे कि कीवर्ड टूल, ठीक है। काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता होगा बट जिसको पता नहीं है सिंपली ये चीज़ उसी के लिए है। अब आपको सबसे पहली लिंक जो मिल जाएगी आपको यहाँ पे सिंपल से क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद ये थोड़ा सा प्रोसेस होगा वेबसाइट ओपन होने में, हम थोड़ा सा वेट कर ले रहे हैं गाइस। ये जैसे ही ओपन हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको गूगल सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पे अगर YouTube हो तो आपको Google सेलेक्ट करना है। Google सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जिस टॉपिक पे भी आपका आर्टिकल है सिंपली आपको थोड़ा सा वहाँ पे ओनली इसे टाइटल देना है, थोड़ा सा मैच कराना उसी से। लाइक मेरा अगर यहाँ पे द बेस्ट अर्निंग वेबसाइट दैट पे यू टू वर्क फ्रॉम होम, तो यहाँ पे वहाँ से ही थोड़ा सा कॉपी करेंगे यहाँ से एंड गाइस उसी पे चल के यहाँ पे हम सिंपल से पेस्ट कर देंगे एंड हिट एंटर। देन ये जो भी टैग्स होंगे आपसे आपके
इससे रिलेटेड वो सारे टैक्स यहाँ पे निकाल के दे देगा। अब आपको वही सारे टैक्स वहाँ पे medium.com के टैक्स पे वहाँ पे डालना है। तो उससे क्या होता है कि गूगल की सर्च रैंक में अब आपके दो आर्टिकल्स रैंक होंगे, पहला पेड फॉर आर्टिकल वाला एंड सेकेंड medium.com वाला। और medium.com पे जैसे कि मैंने आपको दिखाया ही है इतने सारा ट्रैफिक है, तो गाइस अगर आप अच्छे से SEO वगैरह करके बढ़िया से medium.com पे ये वाले टैक्स यूज़ करके अच्छे से जो कि सर्चेबल हो, जो कि गूगल में सर्च कर रहे हैं। और गाइस ये एक अलग तरीका है, और भी एक तरीका है, आपको क्या करना है वही टाइटल गूगल में पेस्ट कर देना है। एंड जैसे ही आप पेस्ट करोगे तो यहाँ पे भी आपको जो लोग पूछते हैं, जो लोग सर्च करते हैं, ये इन्हें भी आप टैग बना के अपने medium.com पे यूज़ कर सकते हो। एंड देन गाइस इनसे भी इम्पोर्टेंट ये वाले टैग हैं, ये भी टैग आप इनमें से फाइंड कर सकते हो। तो टैग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है गाइस, आप यहाँ से अच्छे अच्छे टैग निकाल के यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे पूरे सारे टैग लगा के सबसे पहले पब्लिश नाउ आपको कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप पब्लिश करोगे तो आपके सामने इस तरीके का आर्टिकल बन के आ जाएगा। देखिए ये आपका आर्टिकल है, सेम पेड फॉर आर्टिकल जैसा। अब आपको देखिए जो हमने यहाँ पे लिंक दिया था, आपको सिंपल से ये लिंक पे अगर कोई क्लिक करेगा तो थोड़ा सा यहाँ पे वेट होगा एंड देन ये रिडायरेक्ट हो जाएगा आपके पेड फॉर आर्टिकल्स की वेबसाइट पे। ये देखिए गाइस आपका पेड फॉर आर्टिकल्स की वेबसाइट पे ये रिडायरेक्ट हो गया एंड आपका जो आर्टिकल्स था यहाँ पे ओपन हो चुका है पूरा का पूरा। अब आपको बस जो पोस्ट लिखना है वो नॉलेजेबल लिखना है, जिससे यूज़र को कुछ नॉलेज मिले और वो लेने के लिए यहाँ पे आए, ठीक है। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो कैसा लगा हो गाइस प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज आप जो भी कमेंट बॉक्स में मेंशन करते हो अपना टॉपिक, मैं नेक्स्ट टॉपिक उसी पे लेके आता हूं। और गाइस हमें नेक्स्ट टॉपिक फिर से सजेस्ट करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी आपके ही किसी टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए गाइस जय हिंद एंड बाय बाय।